मैं आपका मेजबान अली हुसैन प्रोग्राम फूड पैंट्री में इस वीक दोबारा खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कराची जो रोशनियों का शहर है उसका छोटा सा चिराग है बेसिकली, जो डिस्को बेकरी जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। इससे फिर हम आगे आते हैं तो हमारी ऐसी शाहराएँ हैं कि जो अपनी सकाफत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उनमें से एक ये जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और आज हम मौजूद हैं, आप हमारे बैक स्क्रीन में देख सकते हैं, तंदूरी पैलेस पे। और तंदूरी पैलेस जो है इसका बेसिकली क्या है कि तंदूर से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है। और आप हम अंदर जाएंगे, यहाँ के कस्टमर से बात करेंगे, यहाँ के स्टाफ मेंबर से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है और यहाँ के कस्टमर्स क्या कहते हो। आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं। हमारे साथ वन ऑफ द ऑनर मौजूद हैं शाहरुख। हम उनसे जानेंगे यहाँ की सिग्नेचर्स के हवाले से और यहाँ की स्पेशलिटीज़ के हवाले से। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा जो कस्टमर्स जब इन्होंने ओपन किया तो ज़्यादा कस्टमर्स क्या पसंद करते हैं और उन्होंने क्या जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या शाहरुख, अल्लाह करम आप सुना खरीद है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा शाहरुख, ये बताइए सबसे पहले कि तंदूरी पैलेस की जो है वो खसूसियात आइटम्स में से कौन कौन सी? सर हमारे पास जो सबसे स्पेशल है वो हमारे पास चिकन सब्जी है हमारी, और उसके अलावा हमारा बीफ बिरयानी जो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास है वो है चिकन हांडी, मखनी हांडी। मखनी हांडी जी जी सर, जो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं। वैसे सिग्नेचर्स में से कितने आइटम्स हैं आपके? सर हमारे पास काफ़ी आइटम है जिसमें सब्जी आ जाती है, वो बीफ बिरयानी बोटी हांडी और चिकन की एक हमारी स्पेशल शनिवारी कढ़ाई भी है। शनिवारी कढ़ाई पसंद की जा रही है। ठीक है, मतलब ये चार पाँच आइटम्स हैं जो आपके सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे, ज़्यादातर जो है चलते हैं। ठीक चल रहे हैं जी। हमारे साथ कुछ स्टाफ मेम्बर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे, यहाँ के शेफ से जानेंगे कि यहाँ पे जो ये सब्जी का सेटअप पीछे नजर आ रहा है आप देख सकते हैं हमारे, इसमें ज्यादातर जो किस किस्म की सब्जी पसंद करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर जान। मुदस्सिर, ये बताएं कि आप यहाँ पे शेफ हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बताइए कि ज्यादातर जो है किस किस्म की सब्जी यहाँ पे खाई जाती है? यहाँ पर जो है ना चिकन सब्जी ज्यादा चलता है। ठीक है। अच्छा, और ये बताइए कि कितनी किस्म की सब्जी होती है यहाँ पर? दो किस्म की सब्जी होती है सर। ठीक है, कौन कौन सी? एक मटन सब्जी है और एक चिकन सब्जी। चिकन सब्जी, मतलब दो किस्म की सब्जी यहाँ पे आप जो है वहाँ पे फरोख की जाती है और ज्यादातर लोग चिकन सब्जी खाते हैं? जी हाँ, ज्यादातर यहाँ पर चिकन। और कितनी देर में बन जाती है ये? तकरीबन 20 मिनट में, 15-20 मिनट में रेडी हो जाती है। हाँ। हमारे साथ वन ऑफ दी कस्टमर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है और प्राइसेस कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? हसन यार। हसन यार, ये बताएं सबसे पहले कि तंदूरी पैलेस जो है यहाँ के टेस्ट के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से क्या कहेंगे? भाई मैं यहाँ का चौथी दफ़ा है, मैं चौथी दफ़ा यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, खासकर यहाँ की जो चिकन सब्जी है और अफगानी पुलाव की तो क्या ही बात है। मतलब वहाँ शाहीन शनिवार में भी आपको ऐसे अफगानी पुलाव नहीं मिलेंगे जो कि यहाँ पर मिलते हैं। हमें यहाँ पर मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, ये बताओ कि कितने कस्टमर एक दिन में सर्व करते हो? सर कस्टमर जब वीकेंड पे एक्चुअली ज़्यादा होते हैं तो बेसिक जो टाइमिंग है कस्टमर की वो है 9 से 10 के दरमियान। 9 से 10 जी जी। तो उसमें ज़्यादा कस्टमर आते हैं? जी 9 से 10 के दरमियान ज़्यादा कस्टमर आते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कस्टमर को अच्छी सर्विस। अच्छी सर्विस जी। ज़्यादा कस्टमर क्या शौक से खाना सर करते हैं? ज़्यादा कस्टमर हमारी स्पेशल वो सब्जी खाना पसंद करते हैं और उसके अलावा न्यारी बोटी हो गई, कढ़ाई हो गई, बीफ बोटी हो गई। हमारे साथ मौजूद है सकलैन, हम उनसे जानेंगे सकाफती हवाले से, ट्रेडिशनल चीज़ों के हवाले से और यहाँ के प्रोडक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सकलैन आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। आप सुने, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। सकलैन क्या कहना चाहेंगे तंदूरी पैलेस के हवाले से और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए, हमें वक्त दिया ताकि हम लोगों को ये चीज़ बताएं। लेकिन सबसे पहली बात तो है कि हमारा मेन फोकस है वो है टेस्ट के हवाले से, बाकी कराची में भी मेरे ख्याल से किसी की कमी नहीं होगी लोगों की, शेफ़ वगैरह की। बाकायदा मैंने जो है ना बलूचिस्तान से स्पेशल टीम बुलाई है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट लोगों को पहुँचे और लोग खुद आएँ, हमें बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ तक कि मतलब बाकायदा हमने यहीं पर रिहाइश दी हुई है पूरा सिस्टम। अच्छा माशाल्लाह जी। जो बस वही मेन फोकस है हमारा टेस्ट के हवाले से, तो माशाल्लाह हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अभी तक काफ़ी फैमिलीज आई हैं और वही दोबारा मतलब रिपीट होती जा, रेगुलर कस्टमर, बिल्कुल रेगुलर कस्टमर हो गए और यहाँ तक के औरों को भी वो ये चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग भी आएँ यहाँ का टेस्ट चेक करें।
हम मौजूद हैं यहाँ पे तंदूरी पैलेस के बारबेक्यू सेक्शन पे, और हमारे सामने देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो बारबेक्यू के सेक्शंस की बोटियाँ लगी हुई हैं। हम सबसे पहले जानेंगे शेफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान, ये बताओ सबसे पहले ये कौन सी बोटी लगी है, ये बताओ ये कौन सी है? अफगानी बोटी है। अफगानी बोटी है ये? ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाना? ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, अफगानी बोटी जो है ना ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं इसको। तो एक दिन में कितने कस्टमर मतलब सर्व कर लेते हो? तकरीबन ऐसे तो हमने 100 कस्टमर कर ले, 100 कस्टमर ऐसे हो जाते हैं, हो जाते हैं ऐसे, हो जाता। ठीक है, अच्छा ये आपकी इनकी हो गई नाज़रीन अगवानी बोटी। अब इसके बाद हम इनसे बात करेंगे, ये इनका क्या चीज़ है? ये सीख कबाब है। सीख कबाब जी, अच्छा, सीख कबाब ज़्यादा कस्टमर खाते हैं? ये भी बहुत शौक से लोग शौक साथ खाते हैं। लेकिन ये कौन सी आपकी कबाब? बिहारी बोटी। बिहारी बोटी, नाज़रीन ये देखें बड़ी डिलीशियस सी लग रही है, बीफ है? बीफ बोटी जी। बीफ है जी, अच्छा बीफ है, बीफ में बिहारी बोटी बनाई है इन्होंने, और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इधर आप देख सकते हैं कि मजेदार कढ़ाई बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर, ये बताओ कौन सी कढ़ाई बना रहे हो? जी शिनवारी कढ़ाई बना रहा हूं। थोड़ा सा दिखाओ कैमरे में, थोड़ा सा कढ़ाई को इस तरफ करो थोड़ा सा, और दिखाओ नाजिन आप देख सकते हैं कितनी मजेदार कढ़ाई है। बने कौन सी कढ़ाई है ये? सर शिनवारी कढ़ाई है। शिनवारी कढ़ाई आपकी यहाँ की स्पेशल आइटम्स में से है? जी हाँ ये स्पेशल आइटम। स्पेशल मंजूर साहब ये बताइए तंदूरी पैलेस के हवाले से क्या कहेंगे, एम्बियंस के हवाले से, प्राइस के हवाले से? सर इनका टिक्का बहुत मशहूर है, सजी भी इनकी मसालेदार बहुत फेमस है, पूरे गुलशन इकबाल में सबसे ज्यादा इनके पास रश है। हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द ऑनर असलान भाई तंदूरी पैलेस के, हम उनसे जानेंगे कि अपने अल्फाजों में तंदूरी पैलेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलान भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का सर। अच्छा असलान भाई आपसे कुछ सवाल हम पूछते हैं, हम बात करते हैं आपसे। सबसे पहले बताइए तंदूरी पैलेस का ख्याल आते साथ ही आपने हमारी पाकिस्तान की कौन सी सकाफत को इसमें उजागर रखा है? सर इसमें तो सबसे पहले यही है कि पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो हैं वो देसी लवर्स हैं, ठीक है, एंड हमने जो लोकेशन चूज़ की है उस हिसाब से इधर ब्लॉक 4 में गुलशन में बहुत कम है देसी रेस्टोरेंट्स, जिस तरह हमारा है बहुत कम मिलेंगे आपको यहाँ पे, मोस्टली फास्ट फूड है। सो दैट इज़ वाई हमने यही सोचा था, हमारा प्लान भी पहले से था कि हम इंशाल्लाह इसको ओपन करेंगे, इस पर वर्क करेंगे पूरा, और ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह बाकी भी लॉन्च होंगे इन फ्यूचर। तो इसके बारे में यही है कि हमने जितने भी आइटम रखे हमने देसी ही रखे। देसी रखे जी, पूरा हमने देसी का सेटअप किया, सज्जी रखी हमने, उसके साथ हमने एक वो किया है जो अफगानी पुलाव के जो चावल होते हैं उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग उसको राइस पे रख के देते हैं सज्जी को। अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं? जी जी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं उसको, और बाकी आइटम्स हमारे जो हैं लाइक हमारी तंदूरी स्पेशल शिनवारी है, ठीक है, जो कि चिकन में मटन में इन इसमें है जो स्पेशलिटी है हमारी। इंशाल्लाह अगर आप कोई आते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बेस्ट टेस्ट है, बेस्ट रिव्यूज़ है, अपना ऑनेस्ट रिव्यू हमें दे के जाएँ कि किस तरह का है। अगर किसी को नहीं वो होता, अच्छा नहीं लगता तो हम वो भी बता के जाएँ। जी वो भी बता के जाएँ ताकि हम उस पर वर्क करें। उस्मान क्या कहना चाहेंगे तंदूरी पैलेस के वाले से और यहाँ के टेस्ट के वाले से? अभी टेस्ट तो ट्राई करेंगे तो फिर बताएंगे। एम्बियंस कैसा लग रहा है आपको? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छी है माशाल्लाह, लोकेशन अच्छी है। प्राइजेस कैसी हैं? प्राइजेस भी सही हैं, रीजनेबल है जी बिल्कुल। ठीक है, तो एलियाने मोहल्लों को, एलियाने कराची को तंदूरी पैलेस की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आए और ट्राई करें, एक दफा ट्राई करें ना, एक दफा तो लाजमी ट्राई करें, तेज। अच्छा तो सर एलियाने मोहल्लों को, एलियाने कराची को तंदूरी पैलेस की तरफ से क्या मैसेज? बिल्कुल आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और अंदर उन्होंने फैमिली वाला बनाया हुआ है, इन्वायरमेंट अच्छा है इनका, बिल्कुल आना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए इनको। रेहान क्या कहना चाहेंगे तंदूरी पैलेस की तरफ से? तंदूरी तो पैलेस की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग आएँ ट्राई करें, टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, आएँ और ट्राई करें लाजमी। बात क्या कहना चाहेंगे तंदूरी पैलेस के हवाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशन भी है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है माशाल्लाह से, तो एम्बियंस अच्छा लगा आपको यहाँ सुकून से बैठ सकते हैं। तो प्राइजेस अपने देखी, प्राइजेस के वाले से क्या आप माशाल्लाह प्राइस भी रीजनेबल, हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा आना चाहिए ट्राई, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। हमारे साथ कुछ यंग्स मौजूद है स्टूडेंट, हम उनसे जानेंगे यहाँ क्या खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हादी। हादी क्या खाने के लिए आई हो, यहाँ का क्या ज्यादा पसंद है? आपसे पहली दफा ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करें कढ़ाइयाँ और सब्जी ट्राई करने की, ट्राई करें। अच्छा एम्बियंस कैसा लग रहा है? एम्बियंस काफी अच्छा है। हमारे साथ अभी एक और कस्टमर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो
अपने अल्फाजों में क्या कहते हैं यहाँ के टेस्ट के हवाले से और प्राइस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब, क्या कहेंगे यहाँ के टेस्ट के हवाले से और प्राइस के हवाले से? सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मगर टेस्ट इनका अच्छा है और सर्व भी अच्छा है इनका, तो इंशाल्लाह चल जाएगा, रेट भी मुनासिब है। मेरे साथ बड़े मजे मजे किस्म की चीजें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ मौजूद है कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई है। सकरन भाई, एक मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। आज के साथ हमारे साथ मौजूद है चिकन सज्जी, उसके साथ हमारे साथ मौजूद है अफगानी पुलाव, कॉम्प्लीमेंट्री राइस जो उन्होंने यहाँ पे दिए मैम, ये खास याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री राइस मिल रहे हैं सज्जी के साथ। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है बिहारी बोटी, तो मैं देने वाला हूँ रिव्यू आपको सज्जी का, यहाँ से ट्राई करके कि इनकी सज्जी कैसी है और उसका टेस्ट बताता हूँ। मुझे अभी सज्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है, नॉर्मल है, ऐसे कि आज स्पाइसी वैसे नहीं बनाते इसको, स्पाइसी नहीं होता ये हमारे उस पर बनता है, ऑर्डर पर बनता है, स्पाइसी डिपेंड करता है कि जो स्पाइसी खाना चाहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा। अब मैं दे रहा हूँ आपको रिव्यू इसकी बिहारी बोटी का, इसका भी टेस्ट बैलेंस है, यकीन करें मुझे भी इसका बैलेंस लगा, मतलब ये इतनी स्पाइसी नहीं है कि आपसे खा ही ना जाए, हाँ, लेकिन इतनी है कि आप इसको आराम से खा सकते हैं, क्योंकि कराची वाले लोग जो हमारे वैसे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। जी ना जी, हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द ऑनर अरसलान भाई, हम उनसे जानेंगे कि कराची के किसी भी कोने से अगर इनकी होम डिलीवरी की खदमात हासिल की जाए तो कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर है जो स्क्रीन के सामने दोहराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई, हमने आपको दोबारा से मधु किया इस वजह से ताकि हम तंदूरी पैलेस की जो आपकी होम डिलीवरी का नंबर है वो हम नाज़रीन को बता सकें, व्यूअर्स को बता सकें कि वो कराची के किसी भी कोने से ऑर्डर कर सके, तो नंबर्स बता दीजिए। सर, 0310-2210-363, 0310-2210-363। नाजिन, जो नंबर अरसलान भाई ने इस टाइम दोहराया है, ये नंबर आप कराची के किसी भी कोने से ऑर्डर कर जो है बेसिकली आप इनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं, यहाँ की सज्जी के तेज से दिल फरेब हो सकते हैं। पाक सर जमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, इसी तरीके से अपने हसीन फूड को, ट्रेडिशनल फूड को प्रमोट करते रहिए। मैं आपका मेज़बान अली हुसैन, प्रोग्राम फूड मेंट्री में इस वीक मौजूद था तंदूरी पैलेस पे। नेक्स्ट वीक एक नई फॉर्म के साथ मुलाकात होगी, जब तक ले जा दीजिए अल्लाह हाफिज़।